This content is brought to you by TechBeat Aryan YouTube channel. All rights are reserved TechBeat Aryan YouTube channel. Don't copy our any content without our permission. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और मैं आर्यन आप सभी का टेक विसाइन यूट्यूब चैनल के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हमारे साथ जुड़े हैं दिव्यांश भाई, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं इको एप्लीकेशन को। और गाइस, ना केवल मेरा बल्कि दिव्यांश भाई का चैनल भी है यूट्यूब पर, तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप जाकर देखिए उनके वीडियोस। अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना, उसके उनकी चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ एक बता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं। सो मिलते हैं अब दिव्यांश भाई के साथ ही, यानी कि अब अगली आवाज़ होगी दिव्यांश भाई की। Subscribe our channel by clicking the subscribe button and also hit the bell icon for interesting technological tutorial. Hey guys, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो अपना YouTube चैनल टेक विद आर्यन। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आर्यन भाई का बहुत ही बहुत थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपना यहाँ पर छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दिव्यांश मल्होत्रा और मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ इस समय 11th क्लास में। एंड मेरा भी टेक विदारण की तरह ही एक विजुअल इम्पैक्ट के लिए एक यूट्यूब चैनल है, टेक्निकल नॉलेज फॉर ब्लाइंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग उस चैनल को भी ज़रूर देखें। उस चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को भी जाकर ज़रूर विज़िट करें और मेरे चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी इसी तरह से अपने चैनल पर टॉकबैक के साथ विजुअल इम्पैक्ट्स के लिए वीडियोस बना करके लाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टेक विद आर्यन यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए, आज हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। तो हमने बात कर ली, अपना इंट्रोडक्शन दिया मैंने, तो चलिए हम वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि हम अपनी वॉइस में इफ़ेक्ट्स कैसे डाल सकते हैं, एको कैसे डाल सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स कैसे डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अपनी वॉइस में यानी कि अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग में, तो फ्रेंड्स उसके लिए हम एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। ऐप का नाम है एको, आपको प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांश मल्होत्रा, आप देख रहे हैं टेक विद आर्यन यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चलना है ऐप्स के अंदर और हमें यहां पे एप्लीकेशन ढूंढ लेनी है, एको। एको के अंदर हमें डबल टैप करना है। तो मैंने इस पर डबल टैप किया और डबल टैप करने के बाद ये ऐप ओपन हुआ और इसका सिंपल सा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। मैं राइट स्वाइप करते हुए आपको दिखाऊंगा। मोर ऑप्शंस, मोर ऑप्शंस के अंदर सेटिंग्स वगैरह हैं और एक नेक्स्ट ऑप्शन दिखाऊंगा, सेव, कोई भी रिकॉर्डिंग, स्टॉप, रिप्ले और लास्ट में एक बटन आता है रिकॉर्ड बटन। तो यहाँ से हम अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड के बाद हम यहाँ पे एको में यहाँ से हम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पहले से ही रिकॉर्डिंग करके रखी है एक सिंपल सी, तो मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि इस समय ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो रिकॉर्डिंग होगा नहीं। तो मैंने पहले से ही एक रिकॉर्डिंग करके रखी है, तो मैं आपको पहले ये सुना देता हूँ।
हेलो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसी रिकॉर्डिंग है। हेलो, तो ये एक सिंपल सी रिकॉर्डिंग है। तो हमें चलना है मोर ऑप्शन में, अगर हमें इफेक्ट इसमें डालने हैं तो। ठीक है, तो फर्स्ट, तो फ्रेंड्स पहला फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है रिकॉर्डिंग्स का। अगर हम रिकॉर्डिंग्स में, चलिए बाद में जाएंगे, हम सेटिंग्स में चलते हैं। हम वैसे तो सेटिंग्स राइट स्वाइप करने पे मिलेगा आपको, तो मैंने इस पर क्लिक किया। हम देखते हैं इसकी सेटिंग्स कुछ। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन को आपको छेड़छाड़ करनी नहीं है, इसको आपको ऑन रहने देना है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, रिकॉर्ड बटन होल्ड टू रिकॉर्ड, यानी कि अभी ये जो रिकॉर्ड हम करेंगे वो होल्ड करके रखेंगे, तब जाके रिकॉर्ड होगा। मैं इस पर डबल टैप करता हूँ, देखते हैं हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। चेक्ड है होल्ड टू रिकॉर्ड, टैप टू रिकॉर्ड एक नेक्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो वो नॉट चेक्ड है, तो हम इसे नॉट चेक्ड ही रहने देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप करूँगा मैं। साउंड इफेक्ट हेडिंग है, जी हाँ, तो ये ऑप्शन अभी ऑफ है, हम इसको ऑन कर देंगे जैसे कि मैंने कर दिया। अब हम इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो हमारी जो मैंने जो रिकॉर्डिंग जो की थी वो एको में आने लगेगी अब। ठीक है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी इस ऑप्शन का मतलब ये है, चलिए पहले मैं आपको बैक करके वो रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग आ गई ना एको में। तो चलिए अब मोर ऑप्शन में चलते हैं और मैं आपको आगे की सेटिंग दिखाता हूँ। ओके, जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसके अंदर एक्चुअली इसका, चलिए मैं आपको इसमें डबल टैप करके दिखाता हूँ। 10% और ये चेक्ड रहता है 40%, आई थिंक 40%, जी हाँ चेक्ड 40%। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि अगर हम इसे 50 या 60, 70, 80 या लास्ट ये 90 होता है, अगर हम इतना इसको बढ़ा देते हैं तो वीडियो जो हमारा जो है वो जो अभी ये जो बोल रहा है हेलो, तो वो बड़े मतलब वो वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा सा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हेलो हेलो जितना भी जितनी भी देर में ख़त्म हो रहा है, तो अभी ये जो है ख़त्म होने में और देर लेगा। ठीक है, तो एक बार मैं करके देखता हूँ। चेक डे 40%, मैं 80 कर देता हूँ। ओके, जी हाँ, तो मैंने 80 कर दिया। अब हम देखते हैं बैक जाकर, देखिए ना फ्रेंड्स, अभी ये कुछ ही देर में ख़त्म हो जा रहा था। अभी मैंने इसकी ये वॉल्यूम परसेंटेज मैंने इसकी बढ़ा दी, 80 कर दी। और देखिए फ्रेंड्स, अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप 40 के अगर आप ऊपर कर देते हैं 50, 60, 70, 80 या 90, तो ये जो है उसी के जितना आप करेंगे परसेंटेज, उसी के हिसाब से जो है आपकी ये ऑडियो जो है ये लंबी होगी। ठीक है, बहुत, यानी कि उस हिसाब से देर में ख़त्म होगी। तो मोर ऑप्शन में चलते हैं और आगे का एक ऑप्शन और देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन ये है एको डिले। ठीक है, तो हम इस पर एक बार देख लेते हैं। डबल टाइप किया मैंने, 0.1 सेकेंड, एक्चुअली 0.5 सेकेंड इसमें चेक्ड होता है, यानी कि कितना हमें डिस्टेंस चाहिए जो हम बोल रहे हैं। अभी ये जो हेलो हेलो जो कह रहा है, हमें कितना डिस्टेंस चाहिए, तो ये 0. मतलब हमारी ये स्पीच में, तो अभी 0.5 सेकेंड्स है। ठीक है, हम इसे कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम करेंगे तो जल्दी जल्दी बोलेगा वो, ठीक है, हेलो हेलो। और अगर हम मान लीजिए अगर हमने 0.5 से बढ़ाकर हमने ज़्यादा कर दी, तो वो और डिस्टेंस पे बोलेगा फिर हेलो हेलो। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड,
मैं एक बार चलिए 0.2 करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? है ना फ्रेंड्स? तो इसका मतलब ये था, अगर हम 0.5 के ऊपर अगर हम कर देते तो फिर वो और ज़्यादा डिस्टेंस पे बोलने लग जाता, ठीक है, और स्लो बोलने लग जाता वो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। तो फ्रेंड्स, इतने इफ़ेक्ट्स हम इस रिकॉर्डिंग में हम डाल सकते हैं अपनी अपनी रिकॉर्डिंग करके। तो चलिए, अब हमें सेव करना है, तो हम सेव करने के लिए क्या करेंगे, सेव बटन आता है मोर ऑप्शन की साइड में, हम सेव बटन पर डबल टैप करेंगे। फ्रेंड्स, ये बोल रहा है सेव टू रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दरअसल ये अभी जो है ये हमारी इंटरनल स्टोरेज में अभी सेव नहीं हुआ है, ये सेव हुआ है हमारे इस एको एप्लीकेशन में। हमें अगर इंटरनल स्टोरेज में सेव करना है तो हम चलते हैं मोर ऑप्शन में, और हम चलते हैं रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन में, ठीक है। ये देखिए, मैं स्वाइप कर, जी हाँ, अभी मैंने स्वाइप किया तो हमें ये एक रिकॉर्डिंग मिल गई हमें, ठीक है। ये अभी की रिकॉर्डिंग है जो हमें सेव हुई है, अब जो हमने जो सेव की है, अब हमें इसको करना है इंटरनल स्टोरेज में सेव, तो हमें इस पर क्या करना है, डबल टैप करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, राइट स्वाइप करते हुए देखता हूँ, डिलीट रिकॉर्डिंग, रीनेम, सेव रिकॉर्डिंग इंस्टर्नली, ठीक है। तो मैं इस पे सिंपली डबल टैप कर देता हूँ, देखिए बोल रहा है सेव रिकॉर्डिंग्स टू डाउनलोड्स, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ, सेव ओरिजिनल रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्वाइप करने पे, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट चेक्ड है विद इफेक्ट्स, विद एको इफेक्ट्स, ओके। तो हमें इसी पर ही मतलब हमें साइड में जाकर ओके मिलेगा, और इस पर हमें ओके पे डबल टैप कर देना है, ठीक है। चलिए, अभी ये हमारा क्या कहते हैं सेव हो गया होगा, तो हम जाकर एक बार देख लेते हैं, ओके। जी हाँ, फाइल कमांडर मेरा ये है, तो मैं इस पर डबल टैप करके देखूंगा, ठीक है। म्यूजिक में मैं जाऊंगा, एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें फोल्डर यहाँ पे एको नाम से मिलता है या नहीं। जी हाँ, तो शुरुआत में ही फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक फोल्डर मिल गया, एको वन, हम इस पे जाकर देखते हैं। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने रिकॉर्डिंग जिस तरीके की हमने सेव की थी, जैसी एको इफेक्ट्स डालकर हमने सेव की थी, वैसी ही रिकॉर्डिंग यहाँ पर सेव हुई है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें अपनी वॉइस में, अपनी रिकॉर्डिंग्स में इफ़ेक्ट्स डालने हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और टेक विद आर्यन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।